चाह रहे थे तब तुम्हारे लिए लड़ने वाले, तुम्हारे लिए बोलने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में बिठाया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने तुम्हारे लिए किया क्या है। जब तक कांग्रेस से मलाई काटनी थी तब तक तो कांग्रेस के पहलू में बैठे थे, आज कांग्रेस बुरी हो गई। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। सरकार बदलने जा रही है, नामपल्ली की आवाम फिरोज को जिता करके असेंबली में भेजने जा रही है। और मेरी बात याद रखना, ये अकेला उनके सारे एमएलए पे भारी पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरे सूबे में जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं फिरोज के लिए पहले चार मिसरे पढ़ दूँ। बड़ा प्यार आ रहा है फिरोज भाई आज आपसे, आपकी दिलेरी को सलाम करता हूँ और नामपल्ली से कहता हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना, पीछे ऐसे भी दोस्त खड़े होंगे जो उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि तोते की जान बचानी है या फिरोज खान को जिताना है। मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। के अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। अगला जो मिसरा है ना, वो दिल में ठंड से लगे तो पहुंचाना इन लोगों के कानों तक ही आवाज़ें। के अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। घरों से निकलना तो गोशा महल याद रखना, नामपल्ली वालों 30 नवंबर को घरों से निकलना तो आलेर याद रखना। घरों से निकलना तो इसी शहर हैदराबाद में शहीद हुई मसाजिद की दरो दीवार याद रखना। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ काबू बनाओ ना बहाना। माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की, मेरे भाई कांग्रेस पार्टी फिरोज पे कितना एतमाद करती है कि आज मैं आया हूँ कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल जी पिछली बार आए थे तो यहाँ क्या ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो नामपल्ली में एक शानदार हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। आप उस वादे के पूरे होने के दिन आ रहे हैं। फिरोज को जिताइए और केसीआर से कहिए कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी, अब मजे लेना कि आपकी आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। सिर्फ चार दिन, नहीं नहीं चार दिन तो नहीं बचे, आज 27 हो गया, 3 दिन, मैंने 3 भी नहीं बचे यार, 30 को वोट देने जाओगे तो 2 ही दिन बचे। कि अब तो सिर्फ 2 दिन की है तेरी सरकार, बाय बाय